أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. एक बार फिर हम हाजिर हैं सीरीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की छठी किश्त के साथ। इस छठी किश्त में आज हम आपके सामने हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया का नसब नामा इस तरह है। जवेरिया बिन अल हारिस बिन अबी दरार बिन हबीब बिन आइस बिन मालिक बिन खुजैमा, और ये खुजैमा ही मुस्तलिक है। बनु मुस्तलिक मरीसी में आबाद थे, जो साहिल समंदर सैफुल बहर से कुछ दूरी पर वाकदीर और राफिक के दरमियान 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था, और मवेशी पालना इनकी मईशत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना तैयबा को अपना दारुल हुकूमत बनाया, तो इसके आसपास बसने वाले बहुत से कबाइल ने इस नई इस्लामी हुकूमत की मातहती कबूल फरमा ली और उसके साथ मुआहिदा कर लिया और अपने दीन पर कायम रहे। कुरैश शुरू से ही मुसलमानों के जानी दुश्मन थे। जज़ीरतुल अरब के तमाम कबीलों में अपने नुमाइंदा भेज के मुसलमानों के खिलाफ दर अफशानी करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि मुसलमानों को सफ़े हस्ती से नीस तो नाबूद कर दिया जाए। और इन्हीं के उकसाने और दर अफशानी की वजह से बहुत से कबाइल ने कुफार मक्का के साथ मुआहिदा किया। जिन कबाइल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखालफत का रवैया अपनाया, इन्हें में बनू मुस्तलिक का कबीला भी था। गज़वे खंदक के बाद सुलह हुदैबिया से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनू मुस्तलिक के सरदार हारिस बिन अबू दरार इस्लामी हुकूमत के खिलाफ मुहिम जोई का इरादा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बरेदा बिन हसीब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु को हकीकत हाल मालूम करने के लिए भेजा। और इस खबर की तस्दीक हो जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 सहाबे किराम के साथ 2 या 5 शाबान 5 हिजरी में अपनी क़यादत में मदीना से बनू मुस्तलिक की तरफ कूच किया। इस गज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आयशा सिद्दीका भी थी। जब हारिस बिन दरार को इस्लामी लश्कर के पहुंचने की खबर हुई, तो बेचैन व मुस्तरब हो गया। उसे अपने लश्कर की कमजोरी का एहसास था, खौफ हिरास की कैफियत उसके चेहरे से आया थी। इसकी बेचैनी और परेशानी को देखकर इसके फौज भी घबरा गई। दूसरे कबाइल जो इसकी मदद को आए थे, वो भी मुंतशिर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरीसीब के मुकाम पर पहुंचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमा जन हुए, हालात का जायजा लिया, और लड़ाई के आगाज से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि आप जाकर बनू मुस्तलिक को तौहीद की दावत दें। अगर तौहीद इस्लाम की दावत कबूल कर लेते हैं, तो उनकी जाने और माल महफूज हो जाएंगे। लेकिन कबीला बनू मुस्तलिक ने इस्लाम की हक्कानियत और वहदानियत से साफ इनकार कर दिया और मुसलमानों से बरसरे पेकार होने पर आमादा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुजाहिदीन इस्लाम को दुश्मन पर हमला करने का हुक्म दे दिया। मुसलमानों ने दुश्मन को अपने नरगे में लेकर इस जोर का हमला किया कि दुश्मन सशस्त्र और परेशान हो गए। मुसलमानों के मुकाबले में इनके जंग आजमा अफराद भी कम थे। मामूली सी मुठभेड़ हुई, एक सहाबी शहीद हुए और मुखालिफ के कई अफराद मारे गए।
और बकिया सारे मर्द और औरतें गिरफ्तार हो गईं। सारे कैदी गिरफ्तार होकर मदीना आ गए और कई हजार की तादाद में ऊंट भेड़ और बकरियां हाथ आईं, सबको मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया गया। इन्हीं गिरफ्तार कैदियों में सरदार कौम की बेटी बर्रा भी थी। ये साबित बिन कैस बिन शमाश अंसारी के हिस्से में आई थी, सरदार की बेटी थी, हौसला मंद थी, कायदाना और वजीह शख्सियत की मालिक थी। चूंकि वो मुअज्जज और आला खानदान से ताल्लुक रखती थी, बाइज्जत घराने में परवरिश और परदाख्त हुई थी, इसीलिए वो अपनी इस गुलामी से रंजीदा खातिर थी। मजीद साबिन बिन कैस अंसारी के हिस्से में आने के बाद उन्हें और बेचैनी और परेशानी का एहसास हो रहा था। चूंकि साबिन बिन कैस को हम रुतबा और हम हैसियत नहीं समझती थी, उन्होंने हजरत साबिन बिन कैस को मकादबत यानी कुछ माल लेकर आजाद कर देने पर मामला तय किया कि वो उन्हें 9 औकिया करीबन 300 ग्राम सोना देंगी, और इस पर उनका इत्तेफाक हो गया। जाहिर है ये सब वाकयात रूनमा हो रहे थे और अपने घर और वतन में नहीं थी कि घराना और कबीला उनकी मदद को हाजिर होता। बाप सरदार था, उसने राय फरार अख्तियार की थी। शौहर मुसाफे बिन सफवान लड़ाई में इस्लामी फौज के हाथों मारा जा चुका था। इस वक्त हारिस सरदार कबीला की बेटी बर्रा 20 साल की थी, बेवगी बेवतनी असीरी और गुलामी, इन सब के बावजूद हिम्मत और हौसले की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इन तमाम मुसीबतों को हौसले के साथ बर्दाश्त किया और अपनी शख्सियत को कम उम्र के बावजूद टूटने न दिया और उसे बचाने की गर्ज से बारगे नबूवत में हाजिर हुई और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवेरिया हूँ, अपने कौम के सरदार हारिस की बेटी, और मैं जिस मुसीबत की मारी हूँ वो आपसे मख्फी नहीं है, और मैंने अपने वास्ते मकातबत कर ली। इस सिलसिले में आप मेरी मदद कीजिए। जवाब में रसूल हसन ने फरमाया, क्या इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है? मैं तुम्हारी मकातबत की अदायगी कर दूं और तुमसे शादी कर लूं। उन्होंने कहा, हाँ कहा, और रसूल सल्लम ने मकातबत की अदायगी करके उनसे शादी कर ली। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला फहमी, दूरअंदेशी और दिली हमदर्दी नबूवत के शाये निशान नुमाया हुई, और हजरत जवेरिया की फिदाइयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पर अदना झिझक के बगैर कुर्बान हो जाना कोई आसान काम न था। कुफ्र छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेना, शोहर के मारे जाने का दुख भुला देना, कौम के पिट जाने, कैद होने, बाप के जलील होने की तलखियां मिटा देना, फिदायत की रोशन निशानी। इस फिदायत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि इनके वालिद हारिस इनको छुड़ाने के लिए 2 जवान ऊंट लेकर मदीना आए और उन्हें वादी अकीक में किसी जगह छुपा दिया, और फिर दरबार नबूवत में हाजिर होकर कहा, ऐ मोहम्मद, तुमने मेरी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है और ये इसका फिदिया है। मेरी बेटी जैसी खातून को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, इसे छोड़ दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, क्या ख्याल है अगर मैं इन्हें अख्तियार दूं, क्या मैं तब हुस्न सलूक नहीं करूंगा? हारिस ने कहा, बिल्कुल। फिर हजरत जवेरिया के वालिद उनके पास आए और अख्तियार की बात उन्हें बतलाई। उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह और उसके रसूल चुन लिया है। हारिस हैरान होकर रह गए। बेटी का ये जवाब पाकर उसके कुफ्र की दुनिया में भूचाल आ चुका था। इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलूक ने इसकी दुश्मनी के दांत को कुंद कर दिया था। अब वो इधर का था ना उधर का चलने लगा, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दुनिया परस्ती और लालच को उड़िया कर दिया।
वो जो दो जवान ऊंट फिदिये में देने के लिए तुम लाए थे, उसे कहाँ छुपा रखा है? अब हारिस कुल्ली तौर पर अपने जाहिली वजूद को खो चुका था। बरजस्ता उसने कलमा पढ़ लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो गया। जब सहाबे कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को पता चला कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू मुस्तलिक के सरदार की बेटी को हरम नबूवत में दाखिल कर लिया है और उन्हें दीगर उम्मातुल मोमिनीन की तरह एजाज, तहफ्फुज़ और हक अता किया है, तो सारे सहाबा गैरत दीनी से सरशार हो गए और बोल उठे, रसूल सल्लम के ससुराली रिश्तेदारों को हम कैदी नहीं बना सकते, न उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा सकता है। उन्होंने बनु मुस्तलिक के तमाम बंदियों, गुलामों और लौंडियों को आजाद कर दिया। इस तरह हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा को रिश्ते अज़वाज में बांधने की ऐसी बरकत नुमाया हुई कि बनु मुस्तलिक के 100 घरानों और दूसरी रवायत के मुताबिक 200 घरानों को दौलत दीन और दौलत आजादी नसीब हुई। रसूल सल्लम का हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी करने के जो मकासिद थे वो जल्द हासिल हो गए। हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा को इल्म दानिश से फितरी लगाव था। आप ज़हीन व फतीन थी, इसलिए आप हुजूर सल्लम से जो कुछ सुनती उसे हिफ्ज कर लेती। आपने दीगर अजवाज मुतरात से भी शरई अहकाम और असरार शरीयत के बारे में मालूमात हासिल की और अपने इल्म में हमेशा इजाफा की कोशिश करती रही। सिर्फ आपने इल्म ही नहीं सीखा बल्कि इस पे अमल पैरा भी हुई। आप बड़ी परहेजगार, तकवा शुआर और इबादत गुजार खातून थी। आपने हुजूर सल्लम की रफाकत से इल्मी, दीनी, खलकी फवायद हासिल की और इसको अपनी जिंदगी में बरुए कार लाने की सही करती रही। आप सल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इनका बड़ा ख्याल रखते थे और बैतुल माल से हमेशा वजीफा दिया करते थे। इसी तरह दीगर खलीफा ने भी इनके मरातिब का ख्याल रखा और उनके इज्जत और एहतराम में कभी कोई कमी वाकई न हुई। खिलाफत राशिदा के बाद दौरे उमवी में भी बड़े तौकीर व एहतराम से देखी जाती थी। सन 50 हिजरी में उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा को यह एहसास हो गया कि अब अल्लाह के हुजूर पहुंचने के वक्त करीब आ चुका है। धीरे धीरे इनकी बीमारी ने तवालत और जिस्म कमजोर व नातवां होता गया। बिलाखिर सन 50 हिजरी माह रबीउल अव्वल में हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा 65 साल की उम्र पाकर अपने माली हकीकी से जा मिली। नमाज जनाजा मरवान बिन हकम ने पढ़ाई और उन्हें जदुल बकी में दीगर अजवाज मुतरात के पहलू में दफन कर दिया गया। उम्मीद है हमारी इस कोशिश से आप तमाम लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाहर बही खाओं में शेयर भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मजीद वीडियोस बना सकें। और ये सिलसिला अजवाज मुतरात का अभी जारी है। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।